अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट इन्वेंट्री प्रोजेक्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसी से अब इसमें जो चीज़ें आपने ख्याल रखनी है हम उनकी तरफ आते हैं मैं इसी में कुछ लिखता जाऊँगा चीज़ें क्या ख्याल रखना है और क्या हम बनाने जा रहे हैं ठीक है अच्छा सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जितना काम है ना ये हम काम करेंगे विद याइव यस फाइव काम कर रहे हैं हम लेटेस्ट पे नहीं काम करेंगे हम मॉड्यूल नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर हमने ई एस सिक्स और लेटेस्ट पे काम करना है तो हमें जावास्क्रिप्ट पे काम करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास मॉडर्न फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं हमारा एक्चुअल पर्पस है कि आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट में किस तरह ये काम कर सकते हैं तो हम प्रॉपर्ली स्क्रिप्ट लोड करेंगे स्क्रिप्ट फाइल्स यूज़ करेंगे तो प्योर जो ओल्ड वे है जे को यूज़ करने का मोड्यूल जरूर बनाएंगे हम जो हमारे जावास्क्रिप्ट के अपने हैं यानी कि कोड को हम उस तरह मैनेज़ जरूर करेंगे अपने डिज़ाइन पैटर्नस के थ्रू लेकिन हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए और फर्दर भी बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो कि आपके फ्रेमवर्क्स ख़ुद मैनेज करते हैं तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ठीक है अच्छा दूसरी चीज़ दूसरा ये है कि हमने क्या करना है फोल्डर स्ट्रक्चर पहले तो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है हमने क्या फोल्डर स्ट्रक्चर होगा फिर हमने कुछ रखनी है हमारी जो है जनरल फाइल या कॉमन कॉमन फाइल्स होंगी हमारे तो लेट्स स्टार्ट विद आवर जनरल फोल्डर स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर हमारा ये होगा कि हमारे जितने मॉड्यूल्स होंगे हम उनके फोल्डर उनको फोल्डर में मैनेज करेंगे तो क्या है एक हमारा मॉड्यूल है कैटेगरी का मॉड्यूल है एक हमारा मॉड्यूल है प्रोडक्ट का फ़िलहाल बाकी आप ख़ुद बनाएंगे, जो फर्दर इसके जो लेफ़्ट मेन्यू आपने ख़ुद इसको करना है फिर हम क्या करेंगे हमने एक्चुअली क्या करना है ये जो फाइल्स है ना इन फाइल्स को हमने आ, इसके अंदर रखना है अपने नॉर्मल ठीक है जी हमने क्या करना है इन फाइल्स को बल्कि ये हमने इसकी बजाय ठीक है मैं इसमें ना आपको कैटेगरी का तो हम काम कर चुके हैं प्रोडक्ट का मैंने ऑलरेडी बनाया मैं उसको इसके अंदर कॉपी करूंगा लेकिन हम सिर्फ पहले कैटेगरी का बनाते हैं और अब हमने क्या करना है ये जो हमारा एरिया ना एक हमारे पास शेल होगा यानी जब हमारा पेज लोड होगा तो ये पहला तो काम हम ये करें कि हमारा शेल होना चाहिए हमारा इन में से कोई कैटेगरी में से कोई चीज़ नहीं आएगी तो क्या करना है हमने सबसे पहले एक शेल बनाना है मेन शेल, जिसमें आपके सारे मेन्यूज और जो कंटेंट स्टैटिक है वहीं रहेंगे और जो चेंज हो के वो इस एरिया में आएंगे सो लेट स्टार्ट विद दिस शेल क्या है हमारा ये इंडेक्स पेज ठीक है तो ये इंडेक्स पेज हमारा इस मॉड्यूल से बाहर आएगा इट विल हीयर क्योंकि ये मेन है हमारा ये मेजर शेल है और मेजर शेल के अंदर हमने कोई कैटेगरी कुछ लोड नहीं करना इसलिए हम यहाँ पे जो है वो अपना एक बनाएंगे मेन जो है हमारा एक मेन की जो फ़ाइल है वो हम बनाएंगे, और मेन फाइल क्या करेगी वो जस्ट हमारा जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना जो मेन्यू की हमारी बेसिक इनिशलाइजेशन है सिर्फ वो यही काम करेगी लेट्स स्टार्ट विद दैट तो इस इनिट इस पे आते हैं, app इसको हम कहते हैं जी मेन मेन ये हमारा मेन है और इसमें हम कोई यू आई कंट्रोल नथिंग ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे ठीक है क्लियर ये चीज हमने इसमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी सो तो ये हमारा फंक्शन खत्म इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये तब लोड होगा जब हम इसकी रिक्वेस्ट करेंगे अदरवाइज ये लोड नहीं होगा सो नो नीड फॉर दिस और हमें जो चाहिए उसकी हम सर बात करेंगे ना हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं है लोड इवेंट लिसनर नो नीड कैटेगरी सबमिट ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ये काम है मॉड्यूल का अपना जो इंटरनल हमारे मॉड्यूल है उसका काम है हम सिर्फ क्लीन इसको कर रहे हैं जस्ट क्लिनिंग नो नीड फॉर दिस ये सारे रिमूव करते जाएं ये रिमूव ये रिमूव ओके नो कन्फर्मेशन नथिंग इसका यहाँ कोई काम नहीं है ऑल रिमूव ठीक है पीछे क्या रह गया फिर हमारे पास वो देख लेते हैं हम लोड इवेंट लिस्टर। इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी हमें कोई जरूरत है यस yes, एक हमारे ईमेल लिस्टर की हमें ज़रूरत होगी उसकी तरफ में अभी आऊँगा उसकी हमें ज़रूरत होगी यस एंड नो मोर मॉडल इसकी भी जरूरत नहीं है इसकी भी जरूरत नहीं है हमें और ये फंक्शन की हमें जरूर जरूरत पड़ेगी इसको हम कर लेते हैं कॉस्ट लोड इवेंट इसकी हमें लाजमी जरूरत पड़नी है कैसे पड़ेगी स्टेप बाई स्टेप जैसे हमने बाकी मॉड्यूल की बाकी काम किया है इस तरह हम स्टेप बाई स्टेप इसको भी स्टार्ट इसको भी देखेंगे कि इसकी क्या जरूरत है ठीक है जी नो नीड फॉर दिस क्योंकि जब इसका फंक्शन का पार्ट नहीं है तो इसका पार्ट भी नहीं होगा सो लेट दिस वन अब हमारे पास क्या है अब हम आ जाए अपनी html फाइल की तरफ html फाइल में हमने क्या किया है लेट्स सी दिस ये हमारी html फाइल है इसमें हमने दो एरियाज हैं हमारे पास इसमें हमारे पास कौन से दो एरियाज हैं या ये है लेफ्ट साइड यह है राइट right साइड ठीक है तो इसको तो हमने कर देना खाली नथिंग नो नीड। पहला स्टेप ये आपने कर लेना राइट right? तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हुआ और इसमें हमें कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है जस्ट ये फाइल है और मेन में आप देख लें हमारा मेन बिल्कुल एम्प्टी है और ना ही हमने इसमें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है नथिंग ये हमारा बेसिक आ गया बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रक्चर बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा अपनी फाइल्स में चला जाएगा लेट ट्राई टू रन दिस फाइल और इसमें हमने क्या रन करना है मेन डॉट जी जो हमारी मेन फाइल है मेन डॉट जी ये फ़ाइल से लोड होगी अब मैं इसको लोड करता हूँ और आपके पास क्या होना चाहिए यस yes, राइट right. कोई काम नहीं है इसका एम हमारा काम कम्प्लीट हो गया ये वाला यानी कि अब हमारा शेल रेडी है अब हमने अब नेक्स्ट काम ये करना है कि हमने बताना है हमारे मॉड्यूल्स कौन से होंगे वो किस तरह काम करेंगे पहले हम उनको देखेंगे उन मॉड्यूल्स को वो मॉड्यूल ठीक करते हैं हम जैसे कैटेगरी का मॉड्यूल है हमारा उन मॉड्यूल को हम करेक्ट करने के बाद फिर हम आएंगे अपने इस लेफ़्ट मेन्यू की तरफ इस मेन्यू पर क्लिक करके हमने कोई चीज़ें जो भी लोड करनी है वो इसके लोड होने पर आएंगी तो अब हम अपने कैटेगरी को देखते हैं हमने कैटेगरी को ए, किस तरह ठीक करना है वो पहले हम काम कर लें कैटेगरी वाला Let's see this. कैटेगरी को हमने थोड़ा सा ए, इनको चीज़ों को जो है वो मैनेज कर लें वो क्या करेंगे पहले तो ये ये जो है ना एपीआई ये हमारी एपीआई जनरल होगी हर कोई इसको यूज़ करेगा तो इसको तो बाहर निकालें इसको हम आउटसाइड करें जनरल ठीक है जी इसका हमने नाम नाम ठीक है बस हमने एक्सपोर्ट इसमें से ख़त्म कर देनी है नो एक्सपोर्ट no तो फिर क्या होगा जब ये चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो रही तो ये चीज़ डायरेक्टली यहाँ यूज़ होगी तो आई कैन से लाइक दिस मुझे इस स्क्रिप्ट के लोड होने से पहले कैटेगरी सॉरी ये वाली ए, जो है एच डी टी पी ए पी आई रिक्वायर्ड है ये हमारा ठीक एक ये फ़ाइल हमारी ठीक होगी ये हमें एक फ़ाइल रिक्वायर्ड है और इसके अलावा हमें फ़िलहाल नहीं अभी नेक्स्ट चल के फिर और फर्दर ए, हाँ एक और चीज़ है जो हमारे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारी एक फ़ाइल होगी उस फ़ाइल का नाम रख लेते हैं कॉन्फिग डॉट जे और ये फाइल्स क्या करेगी हमारी जितने कोई ऐसे काम है जो हमें चेंज करने पड़ते हैं इन्वायरमेंट वाइज इन्वायरमेंट जैसे आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मेरा कभी डाटा का आईपी कुछ होता था कभी वो उसका ए का आईपी डिफरेंट होता था तो मैं हर बार चेंज करके उसको आपको दिखाता था लेकिन अब हम क्या करेंगे हम अपनी एक एप्लीकेशन बन की कन्फिगेशन बना लेते हैं इस तरह के जितने काम होंगे वो हम अपनी कन्फिगेशन फाइल में रखेंगे ताकि बाकी इसको यूज़ कर सकें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम देता हूँ सर्वर यू और मेरे अभी तक जो अब मेरा यू है जो इस वक्त है वो है वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन ट्वेंटी डॉट हंड्रेड और जो मेरा सर्वर है वो है एप्लीकेशन है नॉर्थ विन डैश पी एच पी जब आप इसको लाइव करेंगे हो सकता है ये हो ए बी सी डॉट कॉम हो कि ये नॉर्थ विंड ना हो तो हम बेस जो है ना बिल्कुल जो बेस है उसकी यू आर एल यहाँ पर रखेंगे कि जिसने आगे ए हिट करनी है तो ये यू चेंज होती है हमेशा हमारे केस में और आपके केस में भी ऐसा ही होगा जब आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो ये जो फ़ाइल है दूसरी फाइल थी जो हमें रिक्वायर्ड थी तो इसको भी हम इंक्लूड कर लें इस फ़ाइल को इससे पहले इंक्लूड करना है, क्योंकि ए ने इस फाइल का रेफरेंस यूज़ करना है सो आई से दिस वन कॉन्फिक्टस अभी तक ये तीन फाइल्स आ गई हैं जो हमने यहाँ पे इंक्लूड करनी है और एक और फाइल आएगी जो कि अभी आगे चल के हम बनाएंगे उसका भी एक बेनिफिट आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है ओके okay, नौ हम आते कैटेगरी को कैसे कैटेगरी कहाँ से स्टार्ट होती है कैटेगरी में हमने क्या कुछ किया है वो देखते हैं दिस इज़ फाइन कोई चेंज नहीं सिवाय इसके कि एक्सपोर्ट ख़त्म कर दें हम क्योंकि यूस फाइव की तरफ जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट इसमें ख़त्म कर दी इसी तरह मैं कंट्रोलर पे जाता हूँ और तो मुझे कंट्रोलर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे एक्सपोर्ट भी ख़त्म कर दूँ क्योंकि जैसे ही मेरी ये फाइल लोड होगी ये वाली जैसे ही मेरी फाइल लोड होगी मुझे ऑलरेडी ए मिल चुकी होगी ठीक है ये वाली ए ये क्योंकि इंडेक्स पेज इसको लोड कर रहा है ये इंडेक्स पेज इसको लोड कर रहा है इसलिए अब ये नॉर्मल हमारे पास ये चीज़ आ गई इसका नाम कैटेगरी इसका नाम कैटेगरी कंट्रोलर राइट और इसका नाम रखते हैं हम ये तो ये गलत है इसका नाम भी मैं चेंज करके ना कन्वेंशनली बना देता हूँ कैटेगरी यू आई कंट्रोलर तो इसका नाम भी हम लिख देते हैं कैटेगरी यू आई कंट्रोलर इसका कैपिटल करते हैं ठीक है नो मोर एक्सपोर्ट ये एक्सपोर्ट नहीं करना तो ये यहाँ तक तो हमारा काम हमने ये ठीक कर लिया कि हमारी ये फाइल था अब आपको इसका नाम रखते हैं कैटेगरी ऐप ठीक है जी इसका नाम हम रखते हैं कैटेगरी App ये नाम हमने थोड़े चेंज कर लिए हैं तो इसको भी हम डीफेक्टर कर लेते हैं कैटेगरी App और इसने नहीं इसको ये तीन फाइलें जो भी रिक्वायर्ड हैं इसको यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे कहाँ करेंगे ये असल अब हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन का काम है सो कैटेगरी ऐप ये जैसे ही रन होगी मैंने बाकी कोड में कोई चेंज नहीं किया उसी तरह हमारा कोड है तो ये इनिशलाइज होगी इसका मतलब है जैसे ही मैं इस पेज को हिट करूँगा इस पेज को जैसे ही मैं हिट करूँगा यानी कि इसकी अब एस टी टी एम एल रह गई तो वो मैं इधर दिखा देता हूँ आपको वो एस टी एम एल किधर गई देर आई रिटन ऑलरेडी तो मैं इसको ये एस टी एम एल है मेरी कैटेगरी डॉट एच टी एम एल तो ये है जी मेरी कैटेगरी तो यहाँ तक तो मेरी चीज़ कंप्लीट हो गई है ठीक है जी जहाँ तक मेरी ये चीज़ कंप्लीट है मैंने क्या किया वो जो उसके अंदर लिखा हुआ था हमने वो सारा कोड एज इट इज़ उठा के मैंने सेपरेट कर दिया है तो ये अब मेरी कैटेगरी डॉट एच टी एम एल फाइल है ये मेरी कैटेगरी डॉट जी एस फाइल है ये बिल्कुल पुराना कोड है सारा कोड वही है सिर्फ हमने नॉर्मल इसको एक्सक्लूड कर दी इसका जो एक्सपोर्ट है वो हमने ख़त्म कर दिया एक्सपोर्ट नहीं है अब किस वे से स्ट्रक्चर चेंज होगा और वो कैसे यूज़ होगा उस चीज़ को हम स्टेप बाई स्टेप देखेंगे ठीक है तो जहाँ तक हमने क्या किया हमने एक अपने कैटेगरी को स्ट्रक एक आधा फोल्डर में कोड के लेके गए हैं कन्फिग्रेशन फाइल बना दी है ठीक है यहाँ पे और उसके बाद हमने कहा जी एस टी टी पी ए पी आई दिस वन और मेन बनाई है ठीक है तो ये हमने क्या किया अभी सबसे पहले अपना फोल्डर स्ट्रक्चर ठीक किया तो नेक्स्ट क्लिप में हम क्या करेंगे अब इस कोड को फर्दर जो है वो लेके चलेंगे कि कैसे हम इस कोड को अब फर्दर एग्जीक्यूट करेंगे उसमें मैं दूसरा फोल्डर भी ऐड कर दूंगा सेम स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने प्रोडक्ट की चीज़ें भी बनाई है सो लेट मूव टू नेक्स्ट क्लिप